नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं पोल पुल पोस्ट। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने सिडनी में खेले जा रहे टेस्ट में छोटी सी पारी खेलकर भी बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वे इस मैच में 59 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें जोस हेजलवुड की गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने लपका। विराट कोहली बड़ी पारी नहीं खेलने से निराश जरूर हुए होंगे, लेकिन वे इस बात से खुश हो सकते हैं कि चेतेश्वर पुजारा ने टीम को संभाल लिया। इसके अलावा विराट कोहली को उनके एक खास रिकॉर्ड ने भी संतुष्टि दी होगी। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके ओपनर केएल राहुल जल्दी ही आउट हो गए। इसके बाद दूसरे ओपनर मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा ने शतकीय साझेदारी की। मयंक अग्रवाल एक बार फिर 70 रन का आंकड़ा पार कर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली मैदान पर उतरे। विराट कोहली इस टेस्ट की पहली पारी में 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस दौरान भारतीय कप्तान ने 11 रन बनाते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 19,000 रन पूरे कर लिए। विराट ने यह उपलब्धि 399 पारियों में हासिल की। 30 साल के कोहली ने यह उपलब्धि सबसे कम पारियों में हासिल की है। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में 12वें नंबर पर हैं। वे अगली पारी में एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ सकते हैं, जो उनसे सिर्फ 2 रन आगे हैं। विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में दिग्गज बल्लेबाजों सचिन तेंदुलकर और वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा को पीछे छोड़ दिया है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने यह मुकाम 432 पारियों में हासिल की। कैरेबियन दिग्गज लारा ने इस उपलब्धि को 433 पारियों में हासिल की थी। फिलहाल हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने सुझाव हमें निरंतर भेजते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें पोल खोल पोस्ट बाय यूट्यूब और फेसबुक से तेज समाचार।